मन के बहुतक रंग हैं, क्षण क्षण बदले तोए, एक ही रंग में रहे ऐसा बिरला कोए। आचार्य विनोबा भावे ने भूमि पुत्र में प्रकाशित अपने लेख में कपास से सूत यानी धागा और सूत से कपड़ा बनाने का उल्लेख विस्तार से किया है। कपड़ा हमारी आज की दूसरी सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमारे हाथ में आने तक कपड़ा एक लंबी यात्रा तय करता है। कपड़े की इस यात्रा के इर्द गिर्द पूरे मानव समाज के सभ्य होने की कहानी भी धीरे धीरे हमारे इस आधुनिक दौर तक पहुंच पाई है। वस्त्र, परिधान, पोशाक और भी ना जाने कितने नामों से पहचाने जाने वाले इस कपड़े का संबोधन कपास शब्द से बना है। कपास का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। हालांकि कपड़ों की रंगाई और छपाई की कई पद्धतियां प्रचलित है, लेकिन हाथ से की जाने वाली ब्लॉक पेंटिंग या छापा कला और बांधनी कला आज भी उपयोग में लाई जा रही है। छापा कला में काष्ठ छापा का इतिहास सबसे पुराना है। लकड़ी के गुटकों पर सुंदर सुंदर आकृतियां, फूल पत्तियों और टहनियों को उकेरा जाता है। कपड़े पर किसी तरह की सिलवटें ना रहें, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। पात्र में तैयार रंग भर दिया जाता है। आजकल इसमें एक रबर या स्पंज की पट्टी डालने का भी प्रचलन हो गया है, जिसे किसी बांस की खपची या पत्ती से बार बार चलाकर रंग की सांद्रता को स्थिर रखने में मदद मिलती है। ये हाथ के ठप्पे ही कपड़े पर रंगाई छापने का मुख्य औजार है, जो किसी पात्र से रंग लेकर बार बार उपयोग में लाया जाता है। कलाकार पूरे इत्मीनान से हाथ के ठप्पों से डिजाइन को कपड़े पर छापता है। ये बहुत ही श्रमसाध्य कार्य है, जिसमें काफी समय लगता है। रंगरेज का ये पूरा उपक्रम एक घरेलू उद्योग के तौर पर काम करता है। ये जो है ये प्रिंट तो हो गई, अब इसके बाद और प्रोसीजर इसकी भी है। उसके बाद उसको क्या करेंगे, थोड़ा सुखा देंगे और उसके बाद उसको अब इसको बैक कलर करने के लिए या उसको ब्लू करना है तो उसको इंडिगो डाइंग करेंगे, उसको जो है इसको भिगोंगे, या अगर मरून करना है या ब्लैक करना है तो उसके लिए उसका पेस्ट बना के पूरा उसको पोतना, जिसको हम बोलते हैं, उसको पोत देंगे पूरा पीस को, और उसके बाद जो है उसको फिर सुखा देंगे, और सुखाने के बाद उसको फिर जो है पानी को गर्म करेंगे और उसके अंदर जो है अलीजर, वो भी जड़ी बूटी जो है वो लास्ट डालेंगे, और पड़वास उसका पानी के अंदर वो जो पीस हमने जिसको धोया है उसको डालेंगे। पानी जब तापमान होता है 100 डिग्री जब हो जाएगा उसके बाद उसको निकालेंगे, जिसकी वजह से कलर बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। तो उसके बाद जब ये जो है तैयार हो जाएगा उसके बाद फिर उसको एक मरतबा और जो है ठंडे पानी से धोएंगे। जब ये जो है तैयार हो गया उसके बाद इसको सुखाएंगे, और ये जो है जैसे तैयार आपको दिख रहा है पीस, ये जो है मरून है और ब्लैक जो है ये पूरा जो है पीस ऐसे तैयार होता है। ये पूरे हमारे प्रोसीजर है। कपड़ों की रंगाई में परत दर परत बिखरते रंगों की छटा देखनी हो तो बांधनी कला से बेहतर और कोई माध्यम हो ही नहीं सकता। नाम से ही बांधनी कला की छवि हमारे मन में आकार लेने लगती है। महीन धागों से किसी कपड़े में छोटी छोटी गांठों को कसकर बांधा जाता है। मोम के जरिए इस धागे को जलरोधक बनाया जाता है। छापा कला की भांति बांधनी कला में कपड़े का चुनाव करना एक महत्वपूर्ण कदम होता है। मतलब पहले इसको बांधना है और लास्ट में इसको डाई करना है, इसको बांधनी भी बोला जाता है। सबसे पहले कोई भी मटेरियल लिया जाता है,
जैसे कॉटन है, सिल्क है, गजी सिल्क है, जॉर्जेट है, इत्यादि बहुत सारे मटेरियल पे ये होता है काम। तो पहले ये सफ़ेद रहता है मटेरियल, इसके ऊपर ट्रेसिंग पेपर से डिजाइन ड्रॉ करते हैं। आमतौर पर सूती और रेशमी कपड़ों पर इस कला को काफी पसंद किया जाता है। इसके बाद कपड़े पर किसी स्टेंसिल या छापे से प्रॉपर मार्किंग की जाती है, जो निर्धारित डिजाइन के अनुसार गांठ लगाने में सहायक होती है। डिजाइन ड्रॉ करने के बाद जो भी है एरिया सफेद में, उसको पहले टाई अप करते हैं, बांधते हैं। कलाकार अपनी उंगली में नुकीली टोचन से उभार कर गांठ लगाना शुरू करता है। ये एक बोझिल और धीरे धीरे किया जाने वाला काम है, जिसे धैर्य के साथ किया जाना जरूरी होता है। बांधनी कला कपड़े की रंगाई और छपाई की सबसे युवा तकनीक मानी जाती है, जिसमें रंगरेज चटक रंगों का उपयोग करता है। कपड़ों पर रंग बिरंगी बिंदुओं का विविधता के साथ फैलना एक वैज्ञानिक घटना है, जिसे कैपिलरी एक्शन या केशी तत्व का प्रभाव भी कहते हैं। धागे के रेशे या तंतुओं में केशी तत्व या कैपिलरी एक्शन को ये महीन धागे की गांठें बाधित कर देती है और हमारे सामने एक सुंदर सजीला पैटर्न आकार लेने लगता है। ये पूरा इसमें 2-3 दिन लग जाते हैं। फिर इसको 2 कलर में अगर मान लो डाई करना है फाइनली मैचिंग में, तो इसको बांधना रहता है, इसको भिगो के इसको प्लास्टिक में लपेटना पड़ता है। जिस एरिया को नहीं करना है डाइंग, उसको सेफ कर लेते हैं प्लास्टिक और रबर से। और बाकी को खुला छोड़ देते हैं डाइंग के लिए। तो जिसका जिस कलर में डाइंग करना है, वो इतना एरिया डाइंग करके सुखा देते हैं। फिर इसको रिपीट करते हैं उल्टा, जो डाई हो गया इसको वापस प्लास्टिक और रबड़ के हेल्प से बांध के फिर डाइंग करते हैं दूसरी जगह पर। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस चलता है। उसको डाइंग करने के बाद इसको सुखाया जाता है। सूखने के बाद फिर इसको धीरे धीरे सब इसका डॉट्स खोल देते हैं, तो इसमें से बढ़िया सा टाई अप जो डिजाइन है हमारा, वो सुंदर सा दिखता है इसमें। तो ये पूरा टाइम डाई का प्रोसेस रहता है। चमकीले फीके, कच्चे पक्के, लाल पीले, हरे नीले रंग जब कपड़े को अपनी आभा से निखारते हैं, तो छापा कला और बांधनी कला अपने पीछे छिपे विज्ञान की कहानी खुद बयां करती है। अनुभव और विज्ञान शिक्षा के 2 अभिन्न अंग हैं। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल आर्ट रिसोर्स सेंटर के जरिए जहां इन कलाओं की विरासत को सहेज रहा है,
वहीं दूसरी ओर विद्यार्थियों के भविष्य रूपी परिधान में सफलता के पक्के रंग भी भर रहा है।